सोलन में भाजपा की टिकट की चाहवान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी शीला ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों को विरोधियों का षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि वे जब भी चुनाव लड़ती हैं तब तब उनके विरोधी उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनकी जाति का मुद्दा उठाकर उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी जाति का मुद्दा उठाया जाता है वे कमजोर होने की बजाय ज्यादा प्रबलता के साथ आगे बढ़ती हैं और वे कई बार जीत भी हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले भी जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं और तब भी वे आरक्षित सीट से ही लड़ी थी। इसके अलावा वे पिछली बार भी विधानसभा चुनाव आरक्षित सीट से ही लड़ चुकी हैं, तब भी उनकी जाति का मुद्दा उठाया गया था और आज भी यह मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे षड्यंत्र में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगी। उन्होंने कहा कि उनके सभी रिश्तेदार हरिजन हैं और उन्हीं के बीच पे पली बड़ी हुई हैं। वे हरिजन हैं और जिसका पुख्ता सबूत भी उनके पास है। मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिस प्रकार से कल षड्यंत्र रचा गया है, चाहे वो चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार मेरी छवि धूमिल हुई है, मैं चैनल पे भी मान हानि का दावा करूंगी और माननीय डीसी साहब से भी मेरे पक्ष को सुने बगैर जिस प्रकार उन्होंने चैनल को अपनी बाइट दी है, इससे मैं बहुत आहत हुई है। मैं कानूनी सलाह लेकर जो भी बनेगी लीगल कार्रवाई उस पर करूंगी। जब जब चुनाव आते हैं तो इस प्रकार के जो ये षड्यंत्र रचे जाते हैं, मेरा ये जो मामला हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है और वो सुनवाई के लिए लगा हुआ है, पहले भी सरकार ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस पे जो रिपोर्ट है वो माननीय हाई कोर्ट को भेजी है, परंतु उस पर कोई अभी तक इस प्रकार का कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा है।